मुगल साम्राज्य। भारत में मुगल साम्राज्य अब तक के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। मुगल साम्राज्य ने करोड़ों लोगों पर शासन किया। भारत एक शासन के तहत एकजुट हो गया और मुगल शासन के दौरान बहुत समृद्ध सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्ष थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक आने तक पूरे भारत में कई मुस्लिम और हिंदू राज्य विभाजित थे। बाबर महान एशियाई विजेता तामेरलेन के पोते और गंगा नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्र से विजेता चंगेज खान जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने खैबर और अंततः पूरे भारत पर कब्जा करने का फैसला किया। बाबर तामेरलेन और चंगेज खान के पर पोते भारत में पहले मुगल सम्राट थे। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी का सामना किया और उसे हरा दिया और इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए आया। बाबर ने तुजू के बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा। पहले मुगल बादशाह ने जिहाद की घोषणा की और गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने 1530 तक शासन किया और उसके पुत्र हुमायूं ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी बना और मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना। उन्होंने लगभग एक दशक तक भारत पर शासन किया लेकिन अफगान शासक शेरशाह सूरी ने उन्हें हटा दिया। हुमायूं अपनी हार के बाद लगभग 15 वर्षों तक भटकता रहा। इस बीच शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और हुमायूं अपने उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी को हराने और हिंदुस्तान का ताज हासिल करने में सक्षम हो गया। हालांकि इसके तुरंत बाद 1556 में 48 वर्ष की छोटी उम्र में उनके पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा उनकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अकबर हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर निर्वासन में पैदा हुए थे और केवल 13 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इतिहास में अकबर के शासन का एक निश्चित महत्व है। वह शासक था जिसने वास्तव में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया था। विजय की एक श्रृंखला के बाद वह अधिकांश भारत को अपने अधीन करने में कामयाब रहा। साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों को सहायक नदियों के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने राजपूतों के प्रति एक सुलह नीति भी अपनाई, इसलिए उनसे किसी भी खतरे को कम किया। 1572 में गुजरात पर अकबर की जीत के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। अकबर ने सती प्रथा को हतोत्साहित किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। अकबर न केवल एक महान विजेता था बल्कि एक सक्षम संगठनकर्ता और एक महान प्रशासक भी था। उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की जो एक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव साबित हुई जो ब्रिटिश भारत में भी संचालित थी। अकबर का शासन गैर मुसलमानों के प्रति उनकी उदार नीतियों, उनके धार्मिक नवाचारों, भू राजस्व प्रणाली और उनकी प्रसिद्ध मनसबदारी प्रणाली के कारण भी खड़ा है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी। अकबर के दरबार के नवरत्न या नौ प्रसिद्ध बुद्धिजीवी टोडम्मल, अबुल फजल फैजी, बीरबल तानसेन, अब्दुल रहीम खाना ए खाना, मुल्ला दोप्याजा, राजा मानसिंह और फकीर अजियाउद्दीन थे। अकबर के सिंहासन पर चढ़ने के लगभग 50 साल बाद 1605 में मृत्यु हो गई और उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। उसके बाद उसके पुत्र जहांगीर ने गद्दी संभाली। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम हुआ जिसने जहांगीर की उपाधि धारण की जिसका अर्थ है विश्व का विजेता। उन्होंने मेहर उन निसा से शादी की जिसे उन्होंने नूरजहां दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। वह उसे अंध जुनून के साथ प्यार करता था और प्रशासन की पूरी बागडोर उसे सौंप देता था। उसने कांगड़ा और किश्तवाड़ को जोड़कर साम्राज्य का विस्तार किया और बंगाल में मुगल शासन को मजबूत किया। जहांगीर के पास अपने पिता अकबर के राजनीतिक उद्यम का अभाव था लेकिन वह एक ईमानदार व्यक्ति और एक सहिष्णु शासक था। उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया और हिंदुओं, ईसाइयों और यहूदियों के प्रति सहिष्णु थे। हालांकि सिखों के साथ संबंध तनावपूर्ण थे और जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता और आराम देने के लिए जहांगीर के आदेश पर 10 सिख गुरुओं में से 5वें अर्जुन देव को मार डाला गया था। जहांगीर के शासन में कला, साहित्य और वास्तुकला समृद्ध हुई और श्रीनगर में मुगल उद्यान उनके कलात्मक स्वाद का एक स्थायी प्रमाण है। 1627 में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां
1628 में जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका दूसरा बेटा खुर्रम था। खुर्रम ने शाहजहां का नाम लिया, यानी दुनिया का सम्राट। उसने उत्तर में कंधार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अधिकांश दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की। शाहजहां के शासन काल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। यह लगभग 100 वर्षों की अद्वितीय समृद्धि और शांति के कारण था। नतीजतन, इस शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अद्वितीय विकास को देखा। शाहजहां को आर्किटेक्ट राजा कहा गया है। लाल किला और जामा मस्जिद दोनों दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग और कला दोनों की महान उपलब्धियों के रूप में सामने आते हैं। फिर भी सबसे ऊपर शाहजहां को आज ताजमहल के लिए याद किया जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे उनकी पत्नी मुमताज महल के लिए विशाल सफेद संगमरमर का मकबरा बनाया गया था। औरंगजेब ने 1658 में गद्दी संभाली और 1707 तक सर्वोच्च शासन किया। इस प्रकार औरंगजेब ने 50 वर्षों तक शासन किया, जो अकबर के शासनकाल के बराबर था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपने पांचों पुत्रों को शाही दरबार से दूर रखा। इस परिणाम के साथ कि उनमें से कोई भी सरकार की कला में प्रशिक्षित नहीं था। यह बाद में मुगलों के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। अपने 50 वर्षों के शासन के दौरान औरंगजेब ने पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन के तहत लाने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश की। उनके अधीन ही मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन अंत में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। जब 1707 में 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने अपने पीछे कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं छोड़ी। उनकी मृत्यु के साथ विघटन की ताकतें आ गई और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम ने अपने पिता की धार्मिक नीतियों को निरस्त कर दिया और प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया। हालांकि 1712 में उनकी मृत्यु के बाद मुगल वंश अराजकता और हिंसक झगड़ों में डूब गया। अकेले 1719 में चार सम्राट क्रमिक रूप से सिंहासन पर चढ़े। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान साम्राज्य टूटना शुरू हो गया और मध्य भारत के विशाल क्षेत्र मुगल से मराठा हाथों में चले गए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मुगल पतन को उलटने के लिए निरर्थक प्रयास किए, लेकिन अंततः अफगानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली की सुरक्षा की तलाश करनी पड़ी, जिसके कारण मराठा साम्राज्य और के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। 1761 में अफगान अब्दाली के नेतृत्व में 1771 में मराठों ने दिल्ली को अफगान नियंत्रण से वापस ले लिया और 1784 में वे आधिकारिक तौर पर दिल्ली में सम्राट के रक्षक बन गए। एक ऐसी स्थिति जो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध तक जारी रही। 1857 तक पूर्व मुगल भारत का काफी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। 1857 के युद्ध में एक करारी हार के बाद, जिसका उन्होंने नामात्र का नेतृत्व किया, अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिया और 1858 रंगून में निर्वासित कर दिया। यह भारत में मुगल वंश का अंत है। ब्रिटिश क्राउन ने नए ब्रिटिश राज के रूप में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों का सीधा नियंत्रण ग्रहण किया। 1876 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया अधिक वीडियो और अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया मुझे और वीडियो के लिए प्रेरित करने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।